अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको चिकन कोरमा बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए 1.5 किलो चिकन चाहिए, 1.5 पाव दही और 4 से 5 अदद प्याज और 1.5 पाव पकवान ऑयल, क्योंकि कोरमे में ऑयल थोड़ा ज़्यादा होता है, और अदरक लहसुन का पेस्ट 3 से 4 अदद चम्मच, 1 चम्मच हल्दी और 5 अदद पिसा हुआ खोपरा, 1 चम्मच नमक और ये तेज़ पात के पत्ते 5 से 6 अदद, छोटी इलायची 10 से 12 दाने और ये जायफल का 1 टुकड़ा और 6 से 7 अदर जायफल के दाने और गरम मसाला और ये स्पेशल ये कोरमे का मसाला होता है, जिसके लिए 1 चम्मच साबुत धनिया, 10 से 12 अदद गोल वाली मिर्च और 6 से 7 अदद छोटी इलायची और 5 से 6 अदद बादियानी के फूल, जो मैंने ग्लेंडर करके पीस के ये स्पेशल मसाला ऐसा कोरमे का तैयार हो जाएगा। ये इस तरह आप पीस के ग्लेंडर करके आप तैयार कर लें। अब ये 1.5 किलो चिकन है, इसके अंदर मैं 1.5 पाव ये दही डालकर इसको मैरिनेट करूँगी। ये स्पेशल मसाला कोरमे का, ये इसमें डालकर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अच्छी तरह आप मिक्स कर लें इसको। अब ये मिक्स करके इसको 10 से 20 मिनट के लिए आप रख दें। अब ये भुनी हुई जो मैंने आपको प्याज बताई थी 4 से 5 अदद, जिसको भून लें, ये ब्राउन जाएगी, इसके अंदर आप ये गरम मसाला और जावेत्री, जायफल और ये छोटी इलायची, ये सब डालकर आप इसको ग्लेंडर कर लें। ग्लेंडर करके और इसको आप सबसे लास्ट में डालेगा, ये मैं आपको बता दूंगी। अब इसमें हम 4 चम्मच जो मैंने अदरक लहसुन के डाल के डाल दिए, थोड़ा अदरक लहसुन जब ये भून जाएगा थोड़ा सा भूनेंगे, अदरक लहसुन ये भून रहा है 5 मिनट बस इसको भूनकर, हमारी चिकन जो मैरिनेट की रखी थी वो डालना है। इसके अंदर 1 चम्मच पीसी हुई हल्दी और 1 चम्मच नमक और 5 अदद ये तेज पात के पत्ते आप इसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और 1 चम्मच पीसी हुई मिर्च, अगर ज़्यादा स्पाइसी आप लोग खाते हैं तो डाल लें, वरना मसाला जो मैंने स्पेशल कोरमे का बनाया था उसमें गोल वाली मिर्च ज़रा तेज़ होती है, तो वो मैंने ऑलरेडी डाल दी थी। अब हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो इसलिए मैंने पीसी हुई मिर्च इसके अंदर डाल दी है। आप अच्छी तरह मिक्स करके इसको थोड़ा भूनकर 20 से 25 मिनट तक के लिए आप इसको ढक के रख दें, कि जब तक चिकन गल जाएगी। चिकन देखें गल गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया, भुनने पर आ गया। अब इस टाइम हम इसमें जो मैंने आपको पिसा हुआ खोपरा बताया था ये डालकर इसको थोड़ा भूनेंगे 5 मिनट।
इसके बाद वो जो मैंने पेस्ट बनाया था, भुनी हुई प्याज, जायफल, जावित्री और छोटी इलायची का पेस्ट बनाकर ग्लेंडर कर लिया था। अब लास्ट में हम वो डालेंगे, डाल के इसको भी 5 मिनट हम थोड़ा भूनेंगे। इसमें कलर देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया हुआ है। इसको 5 मिनट भूनने के बाद फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार कोरमा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।